तो विद्यार्थी कर चले हम फिदा, इसके अगले अगले वीडियो में हमने कर चले हम फिदा कैफी आजमी द्वारा लिखित इस कविता का भावार्थ व विस्तार से हमने देखा। आज इस वीडियो के अंदर इस कविता के सार को जानेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा होगी। तो प्रस्तुत कविता में देश के सैनिक की भावनाओं का वर्णन किया गया, देश के जो सैनिक है उनकी भावनाओं का वर्णन किया। सैनिक कभी भी देश की सम्मान को बचाने के लिए पीछे नहीं हटता, चाहे उसे अपनी जान से हाथ क्यों ना धोना पड़े। भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों ने गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुकने लगी थी और ठंड के कारण उनकी नाड़ियां जल रही थी या जम रही थी, परंतु उन्होंने किसी भी चीज की परवाह किए बिना दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सिर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, परंतु अपने दौरे के प्रति हिमालय के सर को कभी झुकने नहीं, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम पड़ने नहीं देंगे। लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। जिस तरह दुल्हन को लाल झूले से सजाया जाता है, उसी तरह सैनिक ने भी अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को खून से लाल कर दिया। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए प्राण बलिदान कर देंगे, परंतु हमारे बाद भी यह सिलसिला चलते रहना चाहिए। अन्य सैनिकों से कहते हैं कि हमारे मरने के बाद भी यह सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी जरूरत हो इस देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। सैनिक अपने धरती को दुल्हन या धरती को सीता के दामन की तरफ पवित्र होता है कि कोई भी राक्षस या रावण सीता को दामा को कलंकित न करे, उसे बदनाम न करे। इसलिए आपको राम बनकर लक्ष्मण बनकर उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अब इस देश का दायित्व तो अन्य सैनिकों के कंधों पर मरने के बाद वो लगते हुए ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो विद्यार्थी कविता के साथ में यहाँ पर इस बात को आपने समझा। अब पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों की चर्चा हम करते हैं। तो पाठ में पहला प्रश्न जो है, क्या इस गीत में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? ऐतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास से संबंधित, इतिहास धर्मी ऐतिहासिक शब्द बना। विद्यार्थी यहाँ ध्यान देना है कि क्या यह गीत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तो यह हाँ। क्यों? क्योंकि 1962 भारत चीन युद्ध पर आधारित एक हकीकत फिल्म बनी थी, उसी का यह प्रमुख गीत है। अर्थात 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत चीन के बीच, उसी चिन्ह की पृष्ठभूमि को लेकर एक हकीकत फिल्म बनाई गई थी और उस फिल्म के लिए ही यह कर चले हम फिदा गीत को लिखा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो विद्यार्थी यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किसका प्रतीक है? तभी हमने कविता के साथ में जानना, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किसका मान सम्मान का प्रतीक है? हिमालय को कवि ने मान सम्मान का प्रतीक बताया है। भारतीय सैनिक ने इसकी रक्षा के लिए अपने सर भी कटवा दिए, अपने प्राणों की बाजी भी लगवा दी, परंतु सर हिमालय का हिमालय रूपी के सर को उन्होंने झुकने नहीं दिया। तीसरा प्रश्न विद्यार्थियों यहाँ है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? तो इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? जिस तरह दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, जिस तरह दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी प्रकार सैनिक ने अपने प्राण का बलिदान धरती को खून से ला दिया। प्राण का बलिदान देकर, प्राण का बलिदान
देकर धरती को खून से लाल कर दिया है, इसलिए धरती को दुल्हन कहा गया है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, यह है कि इस गीत में ऐसी क्या खास बात है कि जो जीवन भर याद रह जाती है। इस गीत में ऐसी क्या खास बात है जो जीवन भर याद रह जाती है। तो विद्यार्थी, इस गीत में भावनात्मकता, संगीतात्मकता, लयबद्धता अधिक होगी। इस गीत में भावनात्मकता है, संगीतात्मकता है, लयबद्धता, सच्चाई आदि गुण है, जिसके कारण ये जीवन भर याद रह जाते हैं। जिसके कारण ये जीवन भर याद रह जाते हैं। इस गीत में देशभक्ति, बलिदान की भावना का भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिससे यह गीत हर हिंदुस्तानियों के मन मस्तिष्क में छप जाता है और उसे याद करता रहता है।